का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बायजूस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नकदी संकट से जूझती कंपनी में मचा घमासान अब किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शख्स ने इसकी शुरुआत की और कंपनी को अरब डॉलर की फर्म बनाकर बुलंदियों पर पहुंचाया, उस सीईओ बायजू रविंद्रन को ही अब कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। क्या पूरा मामला है, चलिए आपको बताते हैं। बायजूस में संकट के बीच शुक्रवार को कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मिसमैनेजमेंट और फेलियर्स को लेकर एक ईजीएम बुलाई और इसमें खास बात यह रही कि इन्वेस्टर्स प्रोसेस, जनरल एटलांटिक और पीक एक्सवी जैसे बड़े शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फाउंडर बाजी रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी। खबरों की माने तो प्रोसेस के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि आज की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों ने वोट के लिए रखे गए सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसमें बायजूस में विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए फाउंडर बायजी रविंद्रन को सीईओ पद से हटाने सहित सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कंपनी के प्रमुख निवेशकों ने ये ईजीएम बुलाई थी, उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल को बदल लिया और बायजू रविंद्रन की पत्नी और कंपनी के सह संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ तथा उनके भाई रिजू रविंद्रन को बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ईजीएम में बायजू रविंद्रन उनके परिवार को कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। इन्वेस्टर प्रोसेस के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेयर होल्डर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में हम बैठक की वैधता और इसलिए हम लिए गए फैसलों पर अपनी सहमति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जिसे हम उचित प्रक्रिया के अनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेश करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले एडटेक फर्म बाजू के चार निवेशकों ने एनसीएलटी में मिसमैनेजमेंट के संबंध में मुकदमा दायर किया था और उसमें रविंद्रन को निदेशक मंडल से हटाने की मांग की थी। बायजूस ईजीएम में कंपनी के 60% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी के बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यहां बता दें कि निवेशक फर्म प्रोसेस ने कंपनी का मूल्यांकन भी 22 अरब डॉलर से घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया। बायजूस की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। देखते ही देखते बायजूस एक लर्निंग ऐप के तौर पर मशहूर हो गया। रविंद्र ने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके बाद उन्होंने 2006 में छात्रों की गणित की कोचिंग देना शुरू किया। साल 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह स्टार्टअप अगले 4 साल में यूनिकॉर्न हो गया। सबसे बड़ी उछाल कोरोना काल में जब स्कूल और कोचिंग बंद हुए तब देखने को मिला था।